नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ ये बहुत ही आसान सा ड्यूई मेकअप लुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है, फ्रेश लगता है, और इसे करने में ना सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो आसान भी है, टाइम भी इतना नहीं लगेगा। और मैंने हमेशा की तरह इस वीडियो में भी ये कोशिश करी है कि मैं कम से कम मेकअप प्रोडक्ट्स अपने फेस पर अप्लाई करूँ। यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करके अपना पूरा मेकअप कम्प्लीट करूँ, और इसमें ज़्यादा मेकअप करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि काफ़ी नेचुरल लुक है, डेली वेयर के लिए अच्छा है। स्पेशली लॉकडाउन में हम सब घर पर बैठे हुए हैं, तो जैसे जूम मीटिंग्स करनी होती है या वीडियो कॉल आपको करनी है या ऐसे ही मेकअप करने का मन है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और डूइंग मेकअप मैंने कभी भी अपने चैनल पर किया नहीं था, तो इस बार मैंने किया है। ये फेस पर मेरे शाइन देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी शाइन आ रही है, इतना अच्छा ग्लो आ रहा है। तो ये किसी हाइलाइटर का कमाल नहीं है, मैंने एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करा है। कौन सा प्रोडक्ट है वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने ये टैग का द आयुर्वेदा को का बीटरूट लिप एंड चीक टिंट लिया है, अपने लिप्स को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया है, और उसके बाद मैं करेक्टर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा फेस ऐशी नहीं लगे। बेस के लिए आप देखिए, वैसे कोई भी बीबी क्रीम या कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, सीसी क्रीम, पर ऐशी नहीं लगना चाहिए। वो लगाने के बाद भी ऐशी लगने लगता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। और इसको अच्छे से फिर मैंने ब्लेंड कर लिया है, और जहाँ पे भी जैसे मेरे डार्क सर्कल्स थे और पिगमेंटेशन थी वहाँ पे लगाया है। और इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करा है शुगर का, और अपनी अंडर आइज़ के नीचे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऊपर की तरफ, ताकि फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगे। और जहाँ पर भी हम कंसीलर यूज़ करते हैं ना फेस को हाईलाइट करने के लिए, वहाँ पर ही मैंने यूज़ करा है, और जहाँ पर थोड़े से स्पॉट्स थे तो वहाँ पर भी इसको थोड़ा सा लगा लिया है। और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करा है। ये ब्लेंडर मैंने कभी ट्राई नहीं करा था, छोटा सा ही है, पर इससे अच्छे से ब्लेंड हो नहीं रहा था, इस वजह से मुझे फिर इसके बाद ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ा। तो मैंने फिर इस पूरे कंसीलर को ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करा है ताकि जल्दी आसानी से ब्लेंड हो जाए। वैसे आप बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हर जगह मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ज़्यादा कवरेज मुझे नहीं चाहिए क्योंकि घर पर ही रहना है, और ज़्यादा हैवी भी नहीं लगना चाहिए लुक, तो इसलिए सिर्फ मैंने कंसीलर लगाया है। आप चाहें तो बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं फिर से ये टैग का लिप एंड चीक टिंट यूज़ कर रही हूँ, और इस शेड का नाम है पीच न्यूड पिंक। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसमें शीन है, स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है। तो अपनी आईलिड्स पर मैं थोड़ी सी शीन के लिए इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैंने फिंगर्स की हेल्प से ही इसे अप्लाई कर लिया है, तो ये मेरे आई शेडो का भी काम करेगा। और अब इसका ये जो दूसरा वेरियंट है मेरे पास बीटरूट वाला, तो इसको मैं अपनी चीक्स पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्लश के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो हेल्दी ग्लो जो आता है ना, फ्लश ऑफ कलर थोड़ा सा आ जाता है चीक्स पर, और चीक्स थोड़ा सा यहाँ पे रेड आपको लग रहा होगा, बट इसके ऊपर मैं कुछ और यूज़ करूँगी तो उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। पर ये प्रोडक्ट मुझे इसलिए इतना ज़्यादा पसंद है बिकॉज दिस इज़ 100% वीगन, क्रुएल्टी फ्री, ऑल नेचुरल, तो स्किन फ्रेंडली भी है, स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है, और हर स्किन के लिए ये सूटेबल है। तो मैंने ये थोड़ा सा अपनी नोज़ पे भी लगाया है, थोड़ा सा चिन पे भी लगाया है, और काफ़ी ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हो। बिल्डअप जितना आपको करना है, जितना कम इस्तेमाल करना है, तो आप अपने तरीके से जैसे भी आपको अच्छा लगे तो आप वैसे आप इसको यूज़ कर लीजिए। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अप्लाई करा है ताकि ये कलर थोड़ा सा कम लगे और मेरा फेस भी इससे सेट हो जाएगा। तो टिंट जब भी मैं लगाती हूँ तो इसके ऊपर ही मैं कॉम्पैक्ट लगाना पसंद करती हूँ, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती है, हमारे स्किन का जो ऑयल भी है और जो हमने टिंट लगाया है वो भी। और इसके बाद सेम कलर मैंने यूज़ करा है टिंट का, बीटरूट वाला, और इसे मैंने अपनी आईलिड्स पे लगा लिया है ताकि थोड़ा सा और कलर आ जाए, क्योंकि पीच वाला मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था। पर अगर आपको इतना लाइट पसंद है तो आप लगा सकते हैं, या अगर आपकी फेयर स्किन टोन है, ज़्यादा फेयर स्किन टोन है, तो उसके ऊपर पीच वाला भी अच्छा लगेगा, दोनों ही अच्छे लग रहे थे। तो ये मैंने लगा लिया है, और इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। तो कोई भी आप ब्राउन शेड ले सकते हैं, मैंने तो आई शेडो ही यूज़ करा है डार्क ब्राउन कलर का, और उसी से अपनी आईब्रोज़ को एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से फिल कर लिया है।
इसके बाद मैं मस्कारा के कुछ कोट्स लगा रही हूँ अच्छे से, और ये इसलिए क्योंकि हमारी आईज़ ओपन अप लगेगी। आईलाइनर मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि हमें नेचुरल लुक चाहिए। और फिर से मैंने ये टिंट यूज़ करा है पीच वाला, और इसको मैं एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो इससे हमें ना वो ड्यूई लुक मिलेगा और स्किन भी काफ़ी अच्छे से ग्लो करेगी। और जैसा मैंने आपको बताया है कि ये नेचुरल है, तो ये स्किन फ्रेंडली भी है, पैराबिन फ्री है, मिनरल फ्री है, कोई केमिकल्स भी नहीं है इसमें। तो मैं ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लगा लेती हूँ क्योंकि स्किन सॉफ्ट भी लगती है और ग्लो भी करती है। तो जहाँ पर भी हम यूजुअली अपने फेस को हाईलाइट करते हैं, वहाँ पर मैंने इस टिंट को अप्लाई करा है, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है ये मेरे फेस पर। बहुत ही अच्छी शाइन आ गई है फेस पर। सो इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। आप अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से ही अपना हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। आई शेडो की तरह इसको यूज़ करिए, अपने लिप्स पर लगाइए। वैसे तो ये लिप्स और चीक्स के लिए है, पर आपने देखा कि मैं हाइलाइटर की तरह भी इसको यूज़ करी हूँ। फेस पर कितना अच्छा ग्लो आया है। तो इसके बाद मैं टिश्यू की हेल्प से स्टिंट को हटा रही हूँ और मेरे लिप्स प्रिपेयर हो गए हैं लिपस्टिक लगाने के लिए। और ये मैंने न्यूड ब्राउन लिपस्टिक अप्लाई करी है, और इसके ऊपर ही मैं ये पीची टिंट अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे लिप्स पे थोड़ी सी शीन आ जाए। और लिप्स को ना ये एकदम से प्लम लुक देता है। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसे लगाया है तो मेरा अपर लिप्स कैसे प्लम सा लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं लिप्स। और अगर आपको ग्लॉसी लुक पसंद है, थोड़ा सा शीन चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। That's all for this video. I hope आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा ना तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। और मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अपना ध्यान रखिए, घर पर सबका ध्यान रखिए।